अपने टी में तीन चीज़ें आ जाती हैं इसमें, हम वैक्यूम, फोरसेप्स और सर्जरी सेक्शन, ठीक है। सर्जरी में तो ऑपरेटिव में ही आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन हम जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है या जो हम असिस्टिव डिलीवरी कर रहे हैं उसमें है फोरसेप्स या वैक्यूम डिलीवरी, ठीक है। इन सब के प्री रिक्विजिट या हमने क्या देखना है, वो जो है ना क्या उसको कहते हैं सेम ही ऑलमोस्ट ना, ठीक है। आउटलेट सब जो होता है ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं आउटलेट, ठीक है। एक होता है हाई आउटलेट, एक मिड कैविटी, एक लो आउटलेट। आजकल चूँकि पहले ज़माने में जब सिजेरियन सेक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं होता था या सिजेरियन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उस वक्त ये मिड कैविटी फोरसेप्स या जो हाई फोरसेप्स होते थे ना वो यूज़ करते थे, जिसको कील एंड फोरसेप्स भी करते थे। लेकिन उसके लिए एक तो बहुत एक्सपर्ट बंदे को होना चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होती थी, बहुत हाई हेड को जीरो से भी ऊपर लगाना पड़ता था, बेबी को रोटेट करना, फिर उतनी मटर्नल इंजरी, उतनी बेबी की मॉर्बिडिटी वगैरह बढ़ जाती थी ना। तो इस वजह से आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं ना वो आउटलेट फोरसेप्स होते हैं, ठीक है। और वो आउटलेट होता है प्लस वन से नीचे जब हेड होता है, ये तो आपको स्टेशन तो पता है ना, इसकी स्पाइन पे बैलेंस पड़ा होगा कि इसके स्पाइन जीरो स्टेशन होता है, उसे ऊपर जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, उससे नीचे आएंगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है। जो मिड कैविटी फोरसेप्स होता है वो जीरो प्लस टू के दरमियान यूज होता है, या जीरो पे हेड होगा प्लस वन पे या प्लस टू पे, तब हम मिड कैविटी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लो आउटलेट आउटलेट फोरसेप्स होते हैं वो प्लस टू या प्लस टू से नीचे होगा ना हेड, तो फिर हम आउटलेट फोरसेप्स यूज करते हैं प्लस वन प्लस टू पे, प्लस टू और से प्लस टू या प्लस टू से नीचे होगा तो आउटलेट फोरसेप्स यूज होता है। नेक्स्ट ना वो नीचे से लाना पड़ेगा लेबर नीचे, तो आउटलेट जो फोरसेप्स होता है ना प्लस टू या प्लस टू से नीचे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थे फोरसेप्स के। और जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का ना पहले ज़माने में ना ये दो, ये सिलास्टिक कप है जो सॉफ्ट होता है, इसके अलावा ना पहले मेटालिक यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन आजकल ये मेटालिक इससे के साथ में इंजरीज ज़्यादा होती है, मेटर्नल इंजरीज। अब दोनों में फ़र्क ये है कि फोरसेप्स डिलीवरी में का और इसका क्या फ़र्क है। फोरसेप्स डिलीवरी में मेटर्नल इंजरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसको खींचना होता है, वो मेटालिक होता है, टिश्यू जो होते हैं ना प्रीनियर टीयर जैसे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री या वजाना वॉल टीयर्स, उसमें ज़्यादा आते हैं फोरसेप्स डिलीवरी के साथ। लेकिन ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम के साथ ना मेटर्नल इंजरीज कम होती है, क्योंकि ये तो हमने इसके हेड पे ही लगाना है ना बेबी के इधर, ठीक है। इसमें टिश्यू तो कोई नहीं साथ आ रहा, बस इसको लगा के हमें खींच रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें बेबी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बेबी में कैफल हिमाटोमा ज़्यादा बन जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये थोड़ा सा है कि इसके साथ वैक्यूम के साथ बेबी की इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है, जो हम आउटलेट फोरसेप्स लगाते हैं उसके साथ मेटर्नल इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये है कि हमने कब डिसाइड इंडिकेशन, हर चीज़ जो भी हम प्रोसीजर करते हैं जैसे सर्जरी या कोई भी हम सर्जिकल प्रोसीजर या कुछ भी करते हैं, हर चीज़ की इंडिकेशन, कंटेंट इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब भी जैसे ये मैं इंस्ट्रूमेंट दोनों चीज़ें हैं, वैक्यूम भी है फोर्स में, अलग अलग कर रहे हैं इसको, इसमें कौन सी ऐसी इंडिकेशन होगी जिसमें हम ये यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट। हर हमेशा इंडिकेशन को ना दो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लिकेशन भी दो में डिवाइड होती है, मटर्नल एंड फीटर, क्योंकि दो चीज़ों को हम डील कर रहे हैं ना, सिर्फ मदर को तो नहीं डील कर रहे, ठीक है, मटर्नल एंड फीटर। अब इंडिकेशन क्या, फीटर इंडिकेशन क्या होगी, क्या हो सकती है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। फीटल एस्पेक्टिया हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो, हम सी टी जी कर रहे हैं, बेबी पेशेंट खुली हो गई है और बेबी डिलीवर करना है हमने जितना जल्दी, तो बेबी का डिस्ट्रेस आ रहा है, ब्रैडीकार्डिया आ रही है, टैकीकार्डिया, हम एज सून एज पॉसिबल हम उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को इसको हमने फैसिलिटेट ही करना है ना मदर को, और बेबी को डिलीवर हो जाए, ठीक है, फीटर डिस्ट्रेस। अब मटर्नल की इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है जिसमें हम यूज़ करते हैं। मटर्नल इंडिकेशन में क्या होगा कि प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज है, ठीक है। नॉर्मली सेकेंड स्टेज कितनी होती है प्राइमरी, टू आवर्स की, अगर उसने एपिड्यूरल लगाया तो हम थ्री आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज होगी प्राइमरी है, उसमें टू आवर्स से ज़्यादा हो रही है या मल्टी या तमाम आवर्स से ज़्यादा हो रही है, उसको हमने शॉर्ट करने के लिए डिलीवर करने के लिए तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट, या ये एक मदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है पेन्स ले रही, उससे पुश नहीं हो रहा, पुल नहीं करी, कॉपरेट नहीं करी, ऐसा पेशेंट होते हैं ना लेबरों में, जब आप करोगे देखो डिलीवरी के टाइम वो नहीं कुछ कर रही होती, थक गई होती है बहुत ज़्यादा पेन ले रही, तो उस कंडीशन में फिर हम जो है ना ये करते थे उसको करते हैं कि हम उसको डिलीवर करवाएंगे, ठीक है।
मटर्नल एग्जॉशन हो गया, प्रॉब्लम सेकंड स्टेज होगी, इसके अलावा को मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कार्डिक है पेशेंट, उसको हमने जल्दी डिलीवर करना, उसको जोन है, हाइपरटेंसिव है, या किसी का मसल का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई भी हिस्सा का, तो उसमें हमने ये कर लेते हैं, यूज इसको यूज करते हैं, यह होगी इंडिकेशन मटर्नल एंड फीटल, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट है आपके पास लेबर में आई हुई और नहीं डिलीवर हो रही है, डिस्ट्रेस आ रहा है या प्रॉब्लम सेकंड स्टेज हो गया किसी की वजह से, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ना उसको ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके प्री रिक्विजिट होते हैं, हमने किन किन चीज़ों को देखना है, ठीक है। आपने पहले सारा उसका लेबर का जो पार्टोग्राम होता है रिव्यू करना है कि कितनी देर से वो लेबर में है, क्यों डिले हो रहा है, कहाँ पर डिले हो रहा है, ठीक है, वो करेंगे, वो सारी हिस्ट्री उसका वो देखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होती है, ठीक है, कि हम आपका काउंसलिंग करनी है कि ये प्रॉब्लम है, आप डिलीवर नहीं हो रही तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगा लिया, तो इसके लिए कंसेंट होनी जरूरी है, क्योंकि कम्प्लिकेशन होती है हर चीज़ के, कोई भी कंसेंट तो जरूरी है। इसके बाद इसी चीज़ सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने क्या देख के डिसाइड करना है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकते हैं, क्या क्या देखेंगे जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो हमने उसकी लाए देखनी है। अब ट्रांसफर का तो नहीं ना हम लगाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाए होना चाहिए और ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट कंफर्म करेंगे, लाए कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर वो देखेंगे, उसकी ट्रहार्स हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे उसका कितना पैल्पेबल है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी होती है ना वो लेस देन 1/5 पैल्पेबल पर हम लगाते हैं, जो मिड कैविटी जो हाई करते थे ना वो 2/5 पे लगते थे, अब 1/5 या लेस देन 1/5 उस पर लगती है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, चाहे वो क्यूमिनेट हो भी है, ठीक है ना। इसलिए उसको 0/5 या 1/5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही उसको पैल्पेबल होना चाहिए। ये हमने उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट देख लेंगे, पेन्स देख लेंगे उसकी एडिकेट है कि नहीं, वो सारा देख। उसके बाद हमने उसका पेल्विक करना है, पेल्विक में हमें क्या करना है, पोजिशन देखनी है, ब्रीच तो नहीं है कि फैली की है, ठीक है ना, और उसका स्टेशन कहाँ पे है, हमने -3 पे तो नहीं ना लगाना, मैंने आपको पहले बताया कि जो आउटलेट होते हैं या जो वैक्यूम होते हैं 0 + 3 के दरमियान लगते हैं, ठीक है। 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, या +3 हो गया, ये यूजुअली यूज़ होते हैं, वहाँ से ऊपर नहीं यूज़ होते आजकल, ठीक है। तो इसलिए हमने स्टेशन देखना है, उसका क्या स्टेशन क्या है पेशेंट। और तीसरी बात ये है कि अब स्टेशन देख लिया हमने, वो देख लिया, पेल्विस भी तो सबसे ज़रूरी है। क्लिनिकली जब हमने भी पीयर किया तो हमने बेबी का साफ 4 या 5 kg के बेबी का तो नहीं ना हम लगाएंगे, तो बाद में शोल्डर डिस्को हार्ट तो निकला है, बाद में शोल्डर डिस्को शेयर, ठीक है ना। तो इसलिए पहले क्लिनिकली जो हमने उसकी लाए देखा है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट था कितना पल्पेबल है वो देखे, इसके अलावा हमने क्लिनिकली उसका वेट भी देखा है बेबी का, ठीक है। इसी तरह जब हम पीवी करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने CPT को रूल आउट करना है, तीन ही चार चीज़ें होती हैं ना, तीन ही चीज़ें होती हैं ना, पावर पैसेंजर और क्या पैसेज, तो पैसेज को हमने देखना है कि वो तो बॉर्डरलाइन पैलिस या कंटेक्टिंग पैलिस और उनके इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, ठीक है ना। पोजिशन देख ली उसकी और फुली डायलेटेड है ये देखना है, अनडायलेटेड पे तो नहीं ना हम लगा दें, 8-9 पे वो तो टीयर आ जाएंगे, सर्वाइकल सर्विक्स शुड बी फुली डायलेटेड, ठीक है। पोजीशन उसकी मैंने बता दी है, +1, +2, +3, ठीक है। और दूसरी बात यह कि हाँ, ऑक्सीपिटो इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है या वैक्यूम है तो फैलिक होना चाहिए, ऑक्सीपिट इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो दोनों में लग जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम ब्रीच पे लगा रहे हैं, ब्रीच में तो आफ्टर कमिंग हेड पे लगाएंगे ना, ब्रीच पे तो नहीं लगाएंगे, इसलिए ये भी हमें कन्फर्म हो जाएगा ये ऑक्सीपिटो इंटीरियर या पोस्टीरियर। कैसे पता चलता है ये पता है आपको, ये सैजिटल सुचर है, जब ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन होती है तो हमें सिर्फ पोस्टीरियर फंडरैली फील होता है, क्योंकि ऐसे वेल फ्लैश हेड में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होगा तो हमें दोनों फंडरैली फील होंगे, ठीक है। तब ऑक्सीपिटो पीछे होगा, ये आगे होगा, इसमें ऐसे होगा, ठीक। तो हमें ये जो है ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर हमने किस पे हम लगा रहे हैं, सर्विस शुड भी फुली डायलेटेड होती है। और बताओ मेम्ब्रेन को रप्चर होना चाहिए नहीं, मेम्ब्रेन शुड भी रप्चर, अब विद मेम्ब्रेन तो नहीं ना लगाएंगे हमें, विद मेम्ब्रेन तो हमें पोजीशन और सही तरह उसका वो भी नहीं पता चलेगा, इसलिए मेम्ब्रेन शुड भी रप्चर, ठीक है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, ब्लैडर शुड भी एम्प्टी, यानी कि फुल ब्लैडर पे हम लगा दें, बेबी ने तो क्या डिलीवर होना, फिस्टुला बन जाए उसका, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कि जब ब्लैडर फुल होता है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना हेड को नीचे, तो ब्लैडर भी इसका एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। या अगर एक्सरपेशन होते हैं उनको पहले से कैथेटर डाला होता तो हम पहले उसको निकाल देते हैं कैथेटर को एम्प्टी करके, तो फिर बाद में जरूरत हो तो डालते हैं। बैरल ब्लैडर शुड भी एम्प्टी, सर्विस शुड भी फुली डायलेटेड और मेम्ब्रेन शुड भी रप्चर्ड, नो CPD, वेट, पोजिशन, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी है लगाने से पहले, ठीक हो गया।
अब फोर्सेप्स अब इस वक्त है नहीं, आउटलेट फोर्सेप्स होते ही पहले में वैक्यूम है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या, ये वैक्यूम है, ये कप है इसका। अब इसका लगाने का क्या तरीका होता है, ये होता है ना आपका, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट पहले से चेक होने चाहिए, क्या वैक्यूम होना, ये कप होना चाहिए, इसके साथ एक वो प्लास्टिक की वो ट्यूब होती जिस तरह वो शक्कर मशीन होती ना उसके साथ लगी हुई थी, जिसको इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। अब ये है कि हमने जो लगाना होता है ना उसमें, ये है इसका, ये फर्स्ट, ये है ना इंटीरियर पोजिशन, ठीक है, ये सेजिटल स्ट्रक्चर है, ये इंटीरियर फंडनैली है, ये पोस्टीरियर फंडनैली, ये ऑलमोस्ट इसका 8 to 10 सेंटीमीटर का ये होता है। हमने जब लगाना है ना इसका फ्लेक्सिंग पॉइंट होता है इसमें वैक्यूम में, फोर्सेप्स के लिए नहीं इसकी ज़रूरत होती, वैक्यूम लगाने के, जो कि हमने हेड पे लगाना है ना, तो हमने उस पर उसका फ्लेक्सिंग पॉइंट होता है, ये है उसका इंटीरियर पोस्टीरियर फंडनैली, इससे 3 सेंटीमीटर फ्रंट पे लगाना है इतना, या भाई कब बड़ा बेबी छोटा, इसलिए आप यहाँ से लगे, अदरवाइज इतना होता नहीं। तो ये जब फ्लेक्सिंग पॉइंट होता है 3 सेंटीमीटर इंटीरियर टू द पोस्टीरियर फंडनैली, और पोस्टीरियर टू द इंटीरियर फंडनैली वो 6 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है, उस फ्लेक्सिंग पॉइंट में हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कंट्रैक्शन के दौरान ही अप्लाई करना, जब कंट्रैक्शन नहीं मदर को होगी ना उस वक्त अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके हमने फिर क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐसे लगा के ना फिंगर से ना ऐसे चारों तरफ देख लेना कि मटर्नल टिश्यू तो नहीं अंदर आ रहा, क्योंकि हमने प्रेशर डालना है, अगर मटर्नल वाल वजाइनल वाल कुछ भी अंदर आ रहा हुआ ना तो वो तो सारा वही टियर हो जाएगा, इसलिए तो पता नहीं आना है या नहीं आना, लेकिन वो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने साइड वालों से ना सारे फिंगर डाल के ना अच्छी तरह चेक कर लेना कि कोई टिश्यू तो नहीं उसका मटर्नल टिश्यू अंदर आ रहा है। ये अप्लाई किया, ये चेक कर लिया, करने के बाद हमने ना फिर वो जो शक्कर मशीन जो प्रेशर वाली इसके सेपरेट होती है, उससे हमने ना प्रेशर क्रिएट करना होता है इस ट्यूब के थ्रू ना, उसका प्रेशर जो हमने मैक्सिमम रखना होता है 0.6 से 0.8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, वो उसके ऊपर मेजर से लिखे होते हैं, उतना हमने 0.2 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे उसको बढ़ाते हैं 0.6 या 0.8 तक ले जाते हैं। जब प्रेशर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, ये सारा कुछ कर दिया, फिर वेट करना है मदर की कंट्रैक्शन का, ये नहीं कि यूट्रस रिलैक्स है कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ करना शुरू कर दो उसको विद मटर्नल कंट्रैक्शन, साथ साथ मदर को कहना है कि खुद पुश भी करें जिस तरह नॉर्मल, इधर अपना फिंगर और ये दोनों हम रख लेते हैं इस तरह। इससे क्या होगा, एक तो जब हम एक हाथ इस पर रखेंगे दूसरे हाथ से हमने खींचना है, जब हम ऐसे रखें इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिसलॉज तो नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरा एक प्रेशर हमें पता चला कि ये नीचे आ रहा है ये नहीं आती, फिर आप इससे पकड़ के ऐसे अप्लाई करके जब हम खींचेंगे उसी तरह प्लेयर में लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइनल के नाल हमने उसको खींचना है। जब बेबी बाहर एपिजियोटमी देख लेनी है प्राइमरी है उसे यूजली दे देते हैं इंस्ट्रूमेंट में, एपिजियोटमी जब आप क्राउनिंग पे होगा ना हाई का हेड आपने एपी देनी है, ठीक है। एपी देने के बाद जब बेबी का हेड जैसे ही आउट होता है आपने फौरन प्रेशर रिलीज करना, ये नहीं है कि प्रेशर लग रहा है बेबी को पूरा निकालो बेबी का तो पता नहीं क्या बन जाएगा, जैसे ही हेड बाहर डिलीवर हो प्रेशर रिलीज किया और इसको सेपरेट किया और बेबी को आउट कर लिया, ये नहीं कि उसके पूरे समय तो वो बेबी को आउट कर लिया, ठीक है। मतलब मैम हेड जब हेड डिलीवर हो गया ना इधर आ गया ना तो आपने मशीन से प्रेशर रिलीज किया, ये लूज हो गया, इसको उतार लिया और फिर बेबी को आपने डिलीवर कर लेना, और डिलीवर करने के बाद आपने पीडियाट्रिशियन आपको मौजूद होना चाहिए। जब इस तरह इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी में एक प्रीरिक्विजिट में ये भी था कि आपका पीडियाट्रिशियन शुड बी प्रेजेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द बेबी, तीसरा आपके पास एनेस्थीसिया की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके माइंड में बैक प्लान होना चाहिए कि फर्ज करें अगर जुड़ी तो नहीं है सक्सेसफुल हो, कई दफ़ा नहीं भी सक्सेस, फर्ज करिए सक्सेसफुल नहीं होती फेल हो जाती है तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने सिजेरियन करना, तो ये ना कि आप उनसे करते हो फिर आप सिजेरियन को कहीं रेफर करो, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, आपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म होना चाहिए, एनेस्थीसिया की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, पीडियाट्रिशियन मौजूद होनी चाहिए कि अगर बेस फौरन सिजेरियन करना पड़े तो हम कर, ठीक है। बेबी को आपने पीडियाट्रिशियन को दे दिया, बेबी को आपने देख लिया कहीं इंजरी शिंजरी तो नहीं है, इसमें कैफली मेटोमोइंटा पहले हैमेज कर इसको तक लेसेंट आउट किया, उसके बाद आपने एपी दिया उसको स्टिच किया, सर्वस के लिए जनरल वॉल देखेंगे कहीं भी कोई शेयर तो नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आपने अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दी, ये होता है उसमें वैक्यूम डिलीवरी। अब फोर्सेप्स हमारे पास है नहीं, फोर्सेप्स आपने देखे होंगे कभी सरकार फोर्सेप्स देखे हुए आउटलेट फोर्सेप्स देखे हुए सामने कैसे होते हैं, वो ब्लेड होता है शैंक होता है लॉक होता है उसको तरीका थोड़ा फ़र्क होता है, इसको तो हमने इस पर लगाना है ना, ठीक है ना, उसमें भी बाकी चीज़ें वही हैं। हाँ वैक्यूम का ये फ़र्क है ये हम लेस देन 34 वीक्स पे नहीं लगाते प्रीटर्म बेबी में, इसलिए कि उसमें इंजरी होता है उसमें, इसलिए उसमें या आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच में नहीं लगता, ये वाला प्रीटर्म में नहीं लगता, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच में वैक्यूम नहीं लगता, फोर्सेप्स लग जाते हैं, ठीक है।
हेड के दो ब्लीचिंग भी अभी पढ़ाई है ना डॉक्टर मिस्ट्री ने बताया होगा कि आप जो हेड पर डिलीवर करने के लिए एक तरीके का फोर्सेप्स भी है ना ऑपरेट फोर्सेप्स उसमें तो हम लगा सकते हैं लेकिन हम मिस्ट्री नहीं उसमें लगा सकते तो हेड तो अंदर पड़ा हुआ है ये चीज़ हमें लगा फील होगी जो हम इसको उसमें नहीं लगता। अच्छा अब इसमें क्या है बाकी सारी चीज़ें वही हैं प्रीरिक्विजिट भी वही हैं वही कंटेंडिकेशन है वही सारी इंडिकेशन है। अब फोर्स दो ब्लेड होते हैं ना इसका लगाने का एक तरीका सबसे पहले तो आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर लेना उनको लॉक करके प्रॉपर देख लेना क्योंकि पेयर एक जैसे ही ना एक बड़ा और एक छोटा जब आप अंदर डालो तो लॉक ही ना लॉक होगा तो बेबी बाहर निकलेगा ना ठीक है। पहले आपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें सारी उसी तरह प्रीरिक्विजिट इसमें आप ये मदर है ये डॉक्टर है या आप जो भी है ठीक है ना आप मेरी ये राइट साइड है मदर की ये लेफ्ट साइड है ठीक है मेरी ये लेफ्ट है मदर की राइट है। तो हमने पहले ये वाला मदर की जो लेफ्ट वाली है ना उस पर ब्लेड लेफ्ट ब्लेड पहले लगाना एक फिंगर आपके एक हाथ आपका पूरी ये फिंगर अंदर जाएंगी इससे मैं पकड़ के ना ब्लेड अंदर डालूंगी इसका मकसद क्या वही है कि मटरनल टिश्यू को इंजरी ना हो ना बेबी को इंजरी हो ठीक है ना मटरनल टिश्यूज के अंदर ना आ जाए इस तरह एक ब्लेड लगाऊंगी मेरा जो असिस्टेंट होगा उसको हमने लगा के छोड़ नहीं देना असिस्टेंट ने होल्ड करना हो तो घूम जाएगा अंदर ठीक है। इसी तरह पहले हमने लेफ्ट लगाना है उसी के बाद दूसरा हाथ डाल के तो हमने अपने राइट हैंड से इस साइड पे लगाना है ठीक है। दोनों ब्लेड लग गए लग के बाद हमने उनको लॉक किया लॉक करके अगर लॉक होगा तो कुछ करना अगर लॉक नहीं हो इसका मतलब या तो बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है या आपका ना वो प्लान सही किया होगा वो बेबी को इंजर करेगा ज़्यादा इसलिए आपने ना लॉक किए बगैर उसको भी खाना चाहिए ठीक है। उसके बाद उसी तरह आपने पुश करना लॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस का विद मटरनल कंट्रैक्शन और मटरनल पुशिंग के साथ ना एपिसोड में दे देनी है और उसी तरह जो पहले हम इसका तरीका जे शेप होता है ना हाँ जी मैंने कहा मैडम अच्छा चले बस उसको निकाल खींचा फिर उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए बेबी बाहर आ गया ब्लेड निकाल ले बेबी को मैम इसका लैंडमार्क क्या है जैसे ये बॉडी के किसी हिस्से में भी पोजीशन होनी चाहिए पेल्विस एडिक्वेट होनी चाहिए ये मैंने तरीका इस तरह से हाथ डाल डाल के बताया गया ये कर सकते हैं प्रीटर्म में ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इसमें बाद में पूछ रहे तो बेटे नहीं हो वो तो बेबी निकल आया ना इसमें पीपीएच हो सकती यानी कि हैंड डिलीवर हो गई शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गई बेबी फुट साइज है कोई ही फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के प्रेग्नेंट ईयर हो गई तो वजाइनल लैसरेशन हो गया पीपीएच हो गया ये सारी इसके ना कॉम्प्लिकेशंस हो गए आप आ लेना फिर कैसे हो सकता है।